शीतला सप्तमी की आराधना, कैसे मिले शीतला सप्तमी का लाभ, क्या है शीतला सप्तमी की पूजा विधि, घर के हर दुख को हरने वाली, जानिए क्या है शीतला सप्तमी का महत्व, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7 बजे। तो राशियों के सफर की शुरुआत करेंगे, उसके अलावा हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप सीधा पंडित वैभवनाथ शर्मा जी से सवाल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर अब से लेकर आधे घंटे तक आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे लगातार फ्लैश होता रहेगा, 0120 ये नोएडा का कोड है, उसके अलावा 2515341 और 342 ये दो नंबर है, इन पर आप पंडित जी को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं और फिर पंडित जी से अपने भविष्य अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी जान सकते हैं। और आज हम जानेंगे पंडित जी से शीतला सप्तमी के बारे में, कैसे मिले शीतला सप्तमी की कृपा और साथ ही साथ सावन में उसका क्या महत्व है, पंडित जी ये बताइए आप। जी पंकज जी, यूं तो होली के बाद जो चैत मास की जो सप्तमी मानी गई है वह माँ शीतला को बहुत ज्यादा प्रिय है, लेकिन उसी के साथ साथ जो सावन से शुरुआत होती है जो चतुर्मास जिसे कहते हैं, तो चतुर्मास में हर एक तिथियों का इन 4 महीनों में अपना अलग विशेष महात्म है। तो जो सावन की सप्तमी है, विशेषकर कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी बताई गई है, वह भी माँ शीतला को बहुत ज्यादा प्रिय है। यह शरीर को शीतलता देने वाली है, आपके परिवार में घर में किसी भी प्रकार का कष्ट, विशेषकर शारीरिक कष्ट हो, उससे मुक्ति के लिए माँ शीतला की आराधना कर लेना बहुत ज्यादा लाभ देता है। तो परिवार में किसी भी प्रकार के गंभीर रोग से बचने के लिए माँ शीतला के स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार माँ की आराधना करते हैं तो निश्चित आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और साथ ही साथ सावन के महीने में, चूंकि सावन का महीना चल रहा है, तो इसमें इसका अपना महत्व होता है। जी बिल्कुल, सावन के महीने में शीतला सप्तमी का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि ये जो सावन और उसके साथ साथ लगे हुए जो चातुर्मास का जो हमारे यहाँ परंपरा चलती है, ये जो 4 महीने हैं ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी साधक के लिए बहुत उत्तम माने गए हैं, क्योंकि परिस्थितियां बहुत अनुकूल होती हैं, साधक को अपनी साधना में बहुत अच्छा लाभ मिलता है, और जो मौसम होता है, ऋतु आपके अनुकूल होती है, साधना के अनुकूल होती है, उसमें अगर आप साधना करते हैं, विशेषकर माँ की कृपा लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। शीतला सप्तमी पर माँ शीतला की आराधना कर अपने परिवार की सुरक्षा की मनोकामना करें। इस व्रत को करने से शीतला देवी की प्रसन्नता मिलती है, आपको उनकी कृपा मिलती है, और व्रती के कुल में जो दाह ज्वर होते हैं, कोई बहुत ज्यादा गंभीर रोग से ज्वर से पीड़ित है, पीत ज्वर है, विस्फोटक अर्थात अगर आपके शरीर में कोई फोड़े हो जाए, दुर्गंध युक्त फोड़े हो जाए, नेत्रों के कष्ट हो जाए, इन समस्त कष्ट से, फोड़े फुंसियों से और उसके साथ साथ गंभीर रोग से, ज्वर से मुक्ति पाने के लिए माँ की आराधना कर लेना, माँ दुर्गा का जो शीतला स्वरूप है उनकी आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कैसे करें, आपको करना क्या है। आपको करना बहुत सरल सा तरीका है कि अगर आपके आसपास कोई भी माँ का मंदिर हो आप वहाँ चले जाएं। आज की दिनचर्या में माता को नारियल और चुनरी का एक स्वरूप अर्पित करना, और उसके साथ साथ अगर आप अपने घर में माँ के लिए कुछ भोग बना सकते हैं, विशेषकर पूड़ी और हलवा बना करके भोग लगाना माँ को बहुत अच्छा लाभ देता है। आपके आपके जीवन में जो भी कष्ट है, परिवार में जो भी कष्ट है, वो दूर हो जाएगा। यदि आपके आसपास, घर के आसपास कोई ऐसा स्थान नहीं है तो आप क्या करें, इसके लिए भी हमारे शास्त्र ने बहुत सरल बहुत सहज तरीका बताया है। आपको करना यह है कि घर के आसपास जो भी नीम का वृक्ष हो आप उस स्थान पे चले जाएं, वहां पे थोड़ा सा स्थान जल से शुद्ध कर लें और उस नीम के वृक्ष में माँ शीतला का ध्यान कर लीजिए। माँ शीतला का ध्यान करके आप नीम के वृक्ष में वहाँ पे फूल और पुष्प अर्पित करें, उसके साथ आपने जो भी भोग की व्यवस्था की है माता के लिए, नारियल और चुनरी की व्यवस्था की है, आप वो अर्पित कर दीजिए। कर्पूर से, धूप और दीप से, नैवेद्य से माँ की आरती उतारने के बाद आप अपने परिवार के लिए, कुशल क्षेम के लिए मनोकामना मांगिए। माँ शीतला की कृपा आपके परिवार को मिलेगी, जिससे आपका परिवार हर प्रकार के कष्ट से सुरक्षित हो जाएगा। तमाम दुखों को हरने वाली शीतला सप्तमी के बारे में हमें पंडित जी ने बताया है, और भी बातें जानेंगे, लेकिन राशियों के सफर की शुरुआत करना भी आवश्यक है। सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके प्रयासों से मतभेद में कमी आ सकती है, तो आपके कार्य क्षेत्र में और उसके साथ साथ व्यापार में जो भी, परिवार में जो भी मतभेद थे उसको दूर करने का दिन है आज। ओम व्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, जिम्मेदारियों से मुख ना मोड़े। और दूसरी राशि आती है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, इनके जातकों के लिए पंडित जी क्या कहेंगे। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके स्वभाव में विनम्रता की कमी रहने वाली है, तो आज के दिन आपको बहुत ज्यादा सहज स्वभाव रखना है, बहुत सौम्य व्यवहार करिए, ब्राह्मणों की सेवा करने से आपको लाभ मिलेगा, झूठ ना बोले। और अब बारी आती है मिथुन राशि की।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में उदासीनता को त्याग कर आपको धैर्यपूर्ण कार्य करना पड़ेगा, समाधान उससे ही निकलने वाला है। तो आज के दिन बहुत ज्यादा अधीर ना हो, गायत्री मंत्र का प्रयोग करेंगे और वाहन के प्रयोग में सावधानी रखेंगे तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आज पंडित जी हमें शीतला सप्तमी के बारे में बता रहे हैं, इसकी विधि क्या है पंडित जी, मंत्रोच्चारण की अगर शुरुआत कर ली जाए। जी बिल्कुल पंकज जी, आज के दिन जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आप अपने आसपास कहीं देवी स्थान में या नीम के वृक्ष में माँ शीतला का ध्यान करके अगर आप जल चढ़ाते हैं और उनको चुनरी अर्पित करते हैं, निश्चित लाभ मिलेगा। और उसी के साथ साथ अपने घर में आप अपने पूजा स्थल में बैठ करके ओम शीतला देव्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार कम से कम लाल वस्त्र धारण करके, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम शीतला देव्याय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना, इस मंत्र का प्रयोग करना, लाल वस्त्र धारण करके या श्वेत वस्त्र धारण करके आपको अंदर से शक्ति देगा और उसके साथ साथ आपके परिवार में व्याप्त सारे कष्ट सारे क्लेश को दूर कर देगा। तो हमें मालूम है कि जब पंडित वैभवनाथ शर्मा जी स्टूडियो में होते हैं तो आप उनसे प्रश्न करना चाहते हैं, अपने भविष्य अपने फ्यूचर के बारे में उनसे बातचीत करना चाहते हैं। सुनील है हमारे साथ, काशीपुर से हमें फोन करें। सुनील, क्या है आपका प्रश्न, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पहले बता दें जरूर। सुनील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी। क्या सवाल है आपका पंडित जी से, डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। 24/10/1983। और समय क्या है? 11:15 रात के। सुबह या शाम? रात के। और क्या सवाल है सुनील? मैं ये पूछ रहा था, संतान के बारे में पूछ रहा था मैं जी। बर्थ पर प्रेजेंट रहती है बहुत जी। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक संतान के बारे में आपने प्रश्न किया तो ये समय आपके लिए संतान प्राप्ति में कुछ बाधा का योग दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि अक्टूबर के बाद से आप संतान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे योग आपको बनते हैं। कार्यक्षेत्र के लिए ये समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो इस समय कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके साथ नहीं। अगर आप सूर्यदेव को जल देंगे तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ब्रिजेश है हमारे साथ मेरठ से, हमें फोन कर रहे हैं। ब्रिजेश जी, आपका सवाल क्या है? हेलो, मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रही हूँ। मेरे बेटे का नाम सुम कुमार है जी। 2 मई 1983 समय भी बताएं। 8 बजे जी। इसकी शादी कब तक होगी और ये मतलब पढ़ा रहा भी, जॉब कर रहा भी, एम टेक की हुई है ना जी। ये मतलब इसकी कंप्यूटर साइंस में मतलब इसकी जॉब लगेगी या नहीं, कंपनी में जाएगा क्या है जी? देखिए कंप्यूटर साइंस का क्षेत्र बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, जहां तक आपने बताया ये पढ़ा रहा है, टीचर है, अध्ययन अध्यापन से जुड़े रहना भी इसको बहुत अच्छा लाभ देगा क्योंकि इसकी कुंडली इसके लिए पूरी तरीके से समर्थन करती है। कर्म भाव बृहस्पति का होना इसको पढ़ाई के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा सहयोग कर सकता है। जहां तक दूसरा आपका प्रश्न रहा कि इसका विवाह कब तक होगा, तो ये समय इसके विवाह के लिए भी बहुत उपयुक्त है। अगर इस बच्चे को एक पुखराज धारण करा दिया जाए 7 रत्ती का, तो इसके कार्य क्षेत्र में और इसके अपने जीवन में व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत अच्छी खुशियां आ सकती है। एक और कॉलर है हमारे साथ, पारुल शर्मा है दिल्ली से, हमें फोन कर रहे हैं। पारुल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और आपका क्वेश्चन क्या है? सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1983। समय बताइए। सर, समय तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन पूछिए आप अपना। सर, समस्या ये है कि एक तो मुझे मतलब शादी की डेट प्रॉब्लम है और करियर को लेकर भी काफी प्रॉब्लम चलती रहती है, कहीं भी कुछ भी मतलब सक्सेसफुल पूरी तरह से नहीं हो पाती। जी, ऐसे में आप कैसे पारुल को आप बताएंगे, इन्होंने टाइम ऑफ बर्थ नहीं बताया। जी पंकज जी, तो ऐसी परिस्थिति में जिस समय मैंने उन्हें प्रश्न किया, जिसे प्रश्न लग्न की प्रक्रिया कहते हैं, अभी का जो वक्त जी, अभी का जी, जो गोचर है, जो करंट ट्रांजिट है, मैंने उसको बना लिया है। और पारुल, आपके प्रश्न के अनुसार ही ये समय जो है बुध की दशा का समय दर्शाता है और बुध तृतीय भाव का समय सूचक है, तो इससे पता ये चलता है कि ये समय आपके जीवन में निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा संघर्ष भरा होगा, मानसिक तनाव बहुत हो सकता है। अगर आप भगवान श्री शिव की आराधना करेंगे, बुध और सूर्य कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो भगवान शिव की आराधना करिए, चाहे आपके कार्यक्षेत्र की बात हो, दांपत्य जीवन की बात हो, भगवान शिव माँ पार्वती निश्चित तौर पे आपका कल्याण करेंगे। और अब बारी आती है कर्क राशि की। पंडित जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबंधों में भाग्य का सहयोग मिलने वाला है, साथ ही साथ अपने कार्यक्षेत्र का भी ध्यान रखिए। आज की दिनचर्या में एक लौंग और एक इलायची मुख में रख करके निकलेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आज के दिन यात्रा से बचना चाहिए। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुख में कुछ कमी आ सकती है, तो आज के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से आपको स्वास्थ्य और धन दोनों की बराबर प्राप्ति होती रहेगी, आज के दिन आपके लिए भी यात्रा से बचना लाभकारी होगा। और अब अगली राशि आती है वर्गो, यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए क्रोध में बड़ा नुकसान संभावित है, तो आज की दिनचर्या में बहुत ज्यादा क्रोध से बचना चाहिए। माँ दुर्गा की आराधना करेंगे, माँ दुर्गा के शीतला स्वरूप की आराधना करेंगे तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अब तुला राशि, यानी तुला यानी लिब्रा।
तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबंधों में बिखराव की स्थिति है, तो आज के दिन आप जब भी अपने प्रणय संबंधों की तरफ बढ़ें तो बहुत सोच समझ करके बढ़ें। सूर्योपासना करने से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। समाज में जब भी कहीं कुछ बात करें तो बहुत सोच समझ करके नपा तुला बोलें। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में सुख की कमी, अशांति आपकी परेशानी का कारण बन सकती है, तो आज के दिन आपको अपना व्यवहार ऐसा रखना है, अपना अप्रोच ऐसा रखना है कि परिवार में सुख और शांति बनी रहे। आज के दिन हनुमान आराधना आपको फलित होने वाली है। दूसरों के वाद विवाद से स्वयं को बचा करके रखिए। तो पंडित जी ने आज हमें शीतला सप्तमी के बारे में बताया है। जो दर्शक अब जुड़े हों इस प्रोग्राम के साथ, अब तक का प्रोग्राम जिन्होंने नहीं देखा उनकी जानकारी के लिए हम बता दें www.ibnkhabar.com या IBN7 की वेबसाइट है। आपकी किस्मत ये, पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। पंडित जी, आज की जो राशियां हैं उनमें सबसे अच्छे जो आज तमाम जो मिलेंगे जी, वो कौन सी राशियां हैं? देखिए, आज की राशि के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि मेष राशि के लिए जो स्थिति बन रही है वो बहुत उत्तम बन रही है, क्योंकि आज का जो गोचर बता रहा है वो मेष राशि के बहुत अच्छे से उनको लाभ दे रहा है। उसके साथ साथ आज के दिनचर्या में मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा दिन हो सकता है। चलिए, दो राशियां जिनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है पंडित जी ने उसके बारे में बताया। पंडित जी, एक बार अगर शीतला सप्तमी जिसके बारे में आप हमें बता रहे हैं, यानी दुख हरने वाली शीतला सप्तमी है, कुछ और बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए मां शीतला का आज का दिन अगर आप आज उनकी आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पे इस श्रावण मास में, क्योंकि हर तिथियों में श्रावण मास में ऐसा पुण्य मास है कि हर दिन कोई ना कोई देवी देवताओं से संबंधित है, तो आज के दिन अगर आप मां शीतला की आराधना करेंगे तो आपके परिवार में कितने भी गंभीर रोग हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, पारिवारिक क्लेश बहुत ज्यादा रहता हो, हर प्रकार के कष्टों में ताप को हरने वाली, कष्टों को हरने वाली माँ शीतला का स्वरूप आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो चलिए, आठ राशियों के बारे में हमने पंडित वैभवनाथ शर्मा से जान लिया है, चार राशियां बाकी बची हैं, लेकिन ब्रेक लेना हमारी मजबूरी, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत हम फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत, आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा स्टूडियो में मौजूद हैं। अब आठ राशियां हो चुकी हैं, नौवीं राशि धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आपका जीवन साथी भी आपकी सफलता और आपके कार्य क्षेत्र में आज आपका सहयोग देगा, जिससे आपको खुशी और प्रसन्नता मिलने वाली है। आज की दिनचर्या में, क्योंकि आज शीतला सप्तमी है, कुमारी पूजन को अगर आप मिष्ठान भोजन करेंगे, कुमारी पूजन करेंगे, कुमारी कन्याओं को कुछ दान दक्षिणा देंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और उसी के साथ साथ मीठा बोलिए, कड़वा ना बोले। आइए अब जान लेते हैं मकर राशि के बारे में पंडित जी का क्या कहना है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबंधों में आपकी सहभागिता बढ़ेगी, लेकिन आज की दिनचर्या में कार्य क्षेत्र में भी आपको बराबर ध्यान देना है। शनि भार्य स्रोत का पाठ करेंगे तो सभी कष्टों से सुरक्षित रहेंगे। और अब बारी आती है अगली राशि की, अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में विपरीत लिंग के प्रति आपका जो आकर्षण है वो बढ़ने वाला है, तो आज की दिनचर्या में परिवार और अपने कार्य क्षेत्र दोनों के बीच सामंजस्य बनाएंगे तो कहीं जाकर के लाभ मिलेगा। सुंदरकांड का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, व्यर्थ की यात्रा न करें। आखिरी में अब बारी आती है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों के सहयोग से नए मित्र बनेंगे, जिनसे आपके कार्य क्षेत्र में और आपके दिनचर्या में कुछ नया उत्साह आ सकता है। आज की दिनचर्या में निवेश से बचना चाहिए। तो चलिए पंडित जी, आपने हमें सभी 12 राशियों के बारे में बता दिया और साथ ही साथ शीतला सप्तमी के बारे में इतनी खूबसूरत और उपयोगी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां शीतला। यहां हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार है बुलेट न्यूज़, थोड़ा इंतजार।